तो ये है वर्ल्ड का मैप, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है प्रशांत महासागर, और इसका जो पूरा ये आकार आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार से पूरा ये त्रिभुजाकार। हेलो दोस्तों, मैं अमरेंद्र आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जोरिया एकेडमी पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि आज योग दिवस है, तो सबसे पहले आप सभी को योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं माँ सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है विश्व के महासागर। पिछली क्लास में हम महाद्वीपों से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर चुके हैं, तो आज हम विश्व के महासागरों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन में जैसा कि आप देख रहे होंगे दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और यहाँ पे देखिए आप वर्ल्ड मैप में, तो ये पूरा जो आप देख रहे होंगे ये है प्रशांत महासागर, इसे पैसिफिक ओशियन कहते हैं इंग्लिश में, और साथ ही साथ यह विश्व का सबसे गहरा महासागर भी है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए आप दिया गया है कि मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरियाना जो ट्रेंच है वो प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पे आप इमेज में देखिए ये जो आप ब्लैक होल की तरह देख रहे होंगे ये है मेरियाना ट्रेंच, इसे चैलेंज गर्त के नाम से भी जाना जाता है। यह गर्त 11,033 मीटर गहरी है। आप देखिए कि ये जो गर्त है ये इतनी ज़्यादा गहरी है कि इसके अंदर सूर्य का प्रकाश भी नहीं जा पाता। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है कि निम्न में से कौन सा महासागर अफ्रीका महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अटलांटिक महासागर अफ्रीका महाद्वीप को टच करता है, साथ ही साथ हिंद महासागर भी अफ्रीका महाद्वीप को टच करता है। यहाँ पे आप देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, और ये जो है ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका पश्चिम की ओर तो अटलांटिक महासागर से, और पूर्व की ओर जो है वो हिंद महासागर से टच करता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर से उत्तरी अमेरिका तथा दूसरी ओर से एशिया महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर, ये एक ओर से उत्तरी अमेरिका। मैप में देखिए आप एक बार, ये है वर्ल्ड मैप, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका, और ये है एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका के बीच में है प्रशांत महासागर, ये बड़ा सा देख रहे होंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया है कि अग्निवलय रिंग ऑफ फायर की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है रिंग ऑफ फायर। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है, तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो रिंग ऑफ फायर में आप छोटे छोटे रेड कलर के डॉट्स देख रहे होंगे ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एरिया है, इस कारण से यहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं, और ये रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है, यहाँ पर पूरे में है ये प्रशांत महासागर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आप देखिए दिया गया है कि सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक जो महासागर है वो सबसे कम गहरा महासागर है। यहाँ पे आप देखिए ये है हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी का ये है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पे है आर्कटिक ओशियन जो कि सबसे कम गहरा महासागर है, साथ ही साथ इसे उथला महासागर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेवन में आप देखिए दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में कौन सा महासागर है। आपको बताना है कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये जो है उत्तरी अमेरिका के पूर्व में स्थित है, और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर एट में दिया गया है कि बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में अवस्थित है। तो
तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंध महासागर। अटलांटिक महासागर को ही अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप मैप में देखिए तो जो आप रेड कलर में देख रहे होंगे ये है बरमूडा त्रिभुज, तो ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि अर्ध महासागर के नाम से किस महासागर को जाना जाता है। आपको बताना है अर्ध महासागर, अंध नहीं, अंध तो हमने देख लिया अटलांटिक महासागर को, लेकिन अर्ध महासागर के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर को अर्ध महासागर यानी कि हाफ ओशियन के नाम से जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंद महासागर को अर्ध महासागर क्यों कहते हैं, तो मैप में देखते हैं एक बार कि यहाँ पे जैसा कि आप जब देखेंगे तो ये है प्रशांत महासागर, और जो प्रशांत महासागर है ये उत्तर से लेकर के दक्षिण तक पूरा फैला हुआ है। इसी प्रकार से अटलांटिक महासागर भी उत्तर से लेकर के पूरा दक्षिण तक यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन जो हिंद महासागर है ये केवल और केवल दक्षिण में ही फैला हुआ है, इसका विस्तार उत्तर में नहीं है, केवल और केवल दक्षिण में है। इसी कारण से ये आधा है, इस वजह से इसे हिंद महासागर को अर्ध महासागर कहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि यह एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर पड़ा है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखिए दिया गया है कि किस महासागर का आकार त्रिभुजाकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। तो मैप में एक बार देखते हैं कि इसका आकार त्रिभुजाकार कैसे है। तो ये है वर्ल्ड का मैप और यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये है प्रशांत महासागर, और इसका जो पूरा ये आकार आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार से पूरा ये त्रिभुजाकार शेप में है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपा हुआ महासागर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर्कटिक जो महासागर है इसे छिपा हुआ महासागर के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि ब्रिटेन किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है ब्रिटेन। एक बार हम वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं कि ब्रिटेन जो है वो अटलांटिक महासागर में कहाँ पर स्थित है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये है ब्रिटेन, और अटलांटिक महासागर के ऊपर वाला जो भाग है ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है ब्रिटेन। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखिए दिया गया है कि व्यापार की दृष्टि से संसार का सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर जो है वो विश्व का सबसे बिजी महासागर है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखिए दिया गया है कि अंग्रेजी के एस आकार वाला महासागर कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक जो महासागर है वो अंग्रेजी के एस आकार का है। यहाँ पे आप देखिए ये है वर्ल्ड मैप, और वर्ल्ड मैप में आप जब देख रहे होंगे तो ये है अटलांटिक महासागर जो कि लगभग अंग्रेजी के एस के आकार का दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि सुंडा गर्त किस महासागर में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हिंद महासागर में स्थित है सुंडागर्त, जो कि हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थल है। तो दोस्तों ये थे आज की क्लास के टॉप 15 क्वेश्चन। आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।